आसमा जी है एक। जी आसमा जी को ले लें सर, पहले स्क्रीन कवर कर लें। वेलकम आसमा जी, इस्तकबाल है आपका। हेलो सर, मैं है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मगर हूँ भी, मैं हिंदू से मुस्लिम हुई हूँ। मेरे साथ भी बहुत बड़ा ट्रैप हुआ है। अब मुझे निकलना क्या, मैं कैसे निकलूँ, समझ से बाहर है। उसमें ऐसे पहले ये लोगों बताएं, के बीच शादी में इस टाइम करके की बात मुस्लिम हुई करनी है। है कि बगैर शादी के मुस्लिम हुई है, ये बताएं पहले। ला शादी के लिए मुस्लिम हुई थी हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हाँ शादी जी, हो क्या गई, कर और बैठी हैं मैं आप? 3 बच्चे पैदा कर लिए। मुझे समझ में आ रहा है, लोग मेरे को ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं, मतलब समझ से बाहर है। और मेरी फैमिली यूके में है, मैं कट्टर हिंदू बस फैमिली बस से बस बिलोंग ज्यादा करती हूँ। बस ज्यादा ना बताओ यार, ज्यादा अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन करो। तो बाजी बात यह है कि यहाँ तो अब आपको उनसे तलाक लेनी पड़ेगी, यहाँ आपको उनको नॉन मुस्लिम बनाना पड़ेगा। तो आप बताएं नॉन कौन सा मुस्लिम तो रास्ता नहीं अपनाना चाहती हैं, बनूंगी, क्यों मुझे नहीं यहाँ से बनेंगी, भागने का, मेरे को इधर से क्यों नहीं भागने का बनेंगी? है। मैं भाग के भी गई थी इधर से, मेरे को फिर वापस लेके आए ये लोग, देखिए मैं अच्छा, आउट ये ऑफ सब लोग जरा कंट्री गौर से चले सुने, गई थी मैं जरा आपकी बात जरा सारे लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग समझ सकें। ये जो हमारे जी। जितने भी इंडियन हिंदू लोग हैं, ये समझते हैं कि जिस तरह ये औरतें इंडिया में डिवोर्स दे सकती हैं, एक मुसलमान लड़की भी डिवोर्स दे सकती है। मुसलमान लड़की कभी डिवोर्स नहीं दे सकती, नहीं दे वो सकते, मुतालिबा कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर अ डिवोर्स। उसे कहते हैं खुला का मुतालबा करना। एक मुसलमान लड़की जब एक बंदे के साथ शादी करती है तो वो फॉर एवर उस बंदे के साथ जुड़ गई होती है, और वो बंदे की मर्जी है कि उसे डिवोर्स करे या ना करे। तो बाजी अब ये बात ये है कि आपके अपने खानदान वालों में कितनी पसली है, वो आपको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो बहुत सारे हल हैं, मेरे खानदान आपको वाले बैक तो स्टेज में बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे, बैक स्टेज में कैसे बताऊंगी आपको, क्योंकि फिल्म आपको खत्म बैक स्टेज में बताएंगे ना, करेंगे स्ट्रीम में, स्ट्रीम के बाद बताएंगे ना, यहाँ पे तो नहीं ना बताएंगे फिर हल। जी। मगर अच्छा, फिर से पूछे, क्या पूछे मुझे, मैं नहीं समझ में नहीं आया। यार एक तो बस ये है कि यार लव जिहाद में ना पढ़ो, सबसे पहले सबको मैं ये अब पढ़ बताऊं। गए तो कैसे निकलने का, ये बताए ना भाई। अब निकलने के लिए पता लगना चाहिए ना कि आपकी पसली कितनी है। तो पसली जो है हम स्ट्रीम में आपसे पूछना नहीं चाह रहे, अगर आपकी पसली कमजोर है तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी पसली जरा पसली सॉलिड है, थोड़ी सी उसमें आसानी है। सॉलिड है। सोचो मैं अगर इधर से अपने बच्चों को लेके मैं रातों रात भाग गई थी, मैं जा सकती हूँ, तो फिर मैं क्या भी कर सकती हूँ। बस मेरे को एक कुछ थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, जो कि सपोर्ट नहीं है मेरे पास। लाइक पेरेंट्स तो सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का या कुछ भी। मैं किधर भी जाके जॉब भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मगर इन लोगों से मेरे को भागने का है। ये लोग पता है कैसा है, नमाज थोपते हैं, मेरे को नहीं पढ़ने का है, मेरे को रोजा रखने का है बोलते, मेरे को नहीं रखने का, मेरे से नहीं होता ये सब। मैं क्या बोलूँ, बस मैं, अच्छा इन लोगों का ऐसा है कि तुम लोग औरतें नमाज पढ़ो, आदमी नहीं पढ़ते। मेरे हस्बैंड नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजा भी नहीं रखते, उनसे नहीं रखा जाता। मेरे को बोलते हैं, मेरे को घर का भी काम रहता है, मेरे को सब करना रहता है, छोटा सा क्लिनिक भी है, वो भी चलाती हूँ, मगर ये लोग नहीं समझते। और एक और की बात, कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला हर जगह पे, हर जगह पे इनके कुरान में है, अल्लाह ताला अपने बारे में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। मैं हूं, मैं, मेरे को मानो, मैं हूं, मेरे को मानो, मेरे को मानो, इसमें बोलने का क्या है। नहीं, वो अल्लाह अपने आप को कभी नहीं प्रमोट कर रहे, कोई बंदा उनको प्रमोट कर रहा है। अल्लाह हमेशा थर्ड पर्सन में है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह हर है, अल्लाह जगह पे है ऐसा, कहीं भी अल्लाह ये नहीं कहता कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, कोई कह रहा है अल्लाह है, हर अल्लाह है, अल्लाह है, कोई जगह नहीं पे है नहीं ऐसी बोल, जगह। मेरा डर है, मेरा हर जगह पे नहीं डर बोलता ना अल्लाह, वही हर जगह तो नबी कोई और साहब बोल रहा है जो है। कि अल्लाह है, अल्लाह है। तो बहन जी बात यह है कि आप ऐसा करें कि डिस्कॉर्ड में जुड़े, ठीक है, या किसी ऐसे जी तरीके से जुड़े तो आपके साथ मजीद रब्ता करते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपको इतनी बातें नहीं बताई जा सकती, तो क्योंकि आपका कुछ सिचुएशंस देखेंगे तो आप जवाब देंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर निकले। और अभी आपकी स्क्रीन कवर की जी हुई है हमने,
और ये कवर ही रखेंगे क्योंकि आपने अपने बच्चों सर, को सीए मैंने लगाई ना सर आपकी कल जो लाइव हुई थी ना, मैंने मेरे हस्बैंड बाजुक बैठे थे, मेरे को हर चीज पे दिलाल देते हैं, खाली वही जो बुड्ढी कचरा फेंकी बोल के वैसा था ना, वैसा वाली इन लोग मेरे को बहुत बताते, वहाँ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ होता है, बुड्ढी ये कचरा चीजें बहुत फेंकती मेरे मुझे को बुड्ढी बोल, मिली नहीं आज तक, वो बुड्ढी आज वही तक हमें नहीं मिली। वैसे वाले वकीले मेरे को इतने देते। रात को मैं आपका स्ट्रीम उनको सुनाई लाइव पे, इतना ज्यादा मतलब हंस रहे थे, देखो दूसरों को बात नहीं करने दे रहे, इसको बात करने दे रहे। मैं बोल रही हूँ वो बंदा आपको कुरान हदीस में दे रहा है, सही बुखारी में बता रहा है, हर चीज में आपको एक मतलब प्रॉपर प्रूफ के साथ बता रहा है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अपन चूते है क्या? तू नहीं समझता है बोले। देखें बात ये है, फिर ये लोग पता कैसे, इन लोगों को बचपन से एक चीज रटा दी गई है, अल्लाह है बस है, कुछ मानो ना मानो आप इनको प्रूफ करके दे दो, इनके सामने सब ला के दिखा दो, आप जितने स्टोरी बताते हो पूरी लाइव मूवी चला दो कि ये रियल में हो रहा है, तो भी नहीं ये लोग मानेंगे। चले आपको एक बात इसलिए बोलूं, अगर अगर अल्लाह अल्लाह भी उतर के जमीन पे आ जाए ना, और इनको मोमिनों को बोले कि अरे मोहम्मद ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, तो भी वो सच नहीं मानेंगे। आपको मैं बता सर देता मैं आपको सिर्फ 3-4 डेज से देख रही हूँ, मैं जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं ना इनके अंदर, मैं सारे पूरा देख के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं बोल सकूँ उनको, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट सब उनको बताने के लिए, मैं सब बताने के लिए रखती हूँ, बताती भी हूँ। पर मेरे को थोड़ा सा ना मोटिवेशन अच्छे से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ, मतलब ये जब से आपका वीडियो 3-4 दिन में मैंने, आप जितने भी है ना, ये जलेबी भाई है, एक वो साहिल भाई है, एक एडिम भाई, ये तीनों के पूरे चैनल में जाके पूरे वीडियोस जितने चैनल सब्सक्राइब कर लिए 2 दिन से मैं कॉल भी कर रही हूँ इसमें, तो बैक स्टेज पे रखा जा रहा है, कैसा बात करूँ कैसा बात करूँ समझ में नहीं आ रहा। और आप जो लाइव स्ट्रीम बता रहे हैं ना, आज न्यूज चैनल पे चल रही थी, वो भी मैं देखी, और उसमें भी मैं बार बार यही मैसेज कर रही हूँ, एडिम भाई को बुलाओ, एडिम भाई को बुलाओ बोल के। नहीं। चले आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब जी आप सर जरा ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें ताकि कहीं आपकी सेहत के लिए मसला ना हो। और दूसरी बात ये कि हम जलेबी बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं तो, एटलीस्ट बहुत सारे जी लोग जलेबी सुन लेते, मैं नहीं सुनता। अगर सर आपके मेरे मियाँ पास के तो पास इन लोगों बहुत ने ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसा, आया तो उन्हें आ जाए। मेरे को ऐसा मुस्लिम देखा इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कि मेरे को पेपर तक, एक गल्फ कंट्री और एक इंडिया की कंट्री, सॉरी मैंने कंट्री बोल रही हूँ, उसके अंदर पेपर भी कन्वर्ट होने के होते हैं ना, औकाफ में जाके पेपर कन्वर्टेशन होता है, फिर वो होता है, फिर नाम चेंज होता है, ये पूरा ऐसा करके रखा है कि मैं किधर से भी कुछ भी नहीं कर सकती। कोई भी बोलता है तो देखो नहीं, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, बोल देते अच्छा, वो लोग। आपने 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 सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया था या फिर इस्लाम कबूल करके निकाह किया था? इस्लाम कबूल करके एक निकाह किया था, क्योंकि उस टाइम यही पे मैं तो गल्फ बेटे कंट्री करते में थी। हैं ना। अच्छा, अभी आप अगर यूपी या एमपी में है ना, ठीक है, तो आप नहीं उनको बाहर फोन कर भैया, सकते हो तो मेरे ख्याल है ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, छोड़ देते हैं, बैक स्टेज पे बात कर लेते भाई हैं। इनको करीब है, रखो ना बैक स्टेज पे, बिठा के रखो। अगर टाइम रहेगा ना इनके पास तो इनको रुकने दो अच्छा बैक स्टेज पे। स्ट्रीम हाँ बंद करने के टाइम से इनसे बात कर लो ना आप लोग। चलो ठीक है, हमारे साथ या एक आप मोहम्मद भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन रहेगा। कर लें यार। जलेबी भाई, इनको जरा अपना डिस्कॉर्ड सर्वर दे दें जरा, इनको मैंने याद प्राइवेट करें चैट में डिस्कॉर्ड डाला सर्वर। हूँ, नहीं मैं आपको जी रहती हूँ इधर, जी प्राइवेट रूम में ही रहती हूँ डिस्कॉर्ड को, ये जी। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें आप। ये डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है ना प्राइवेट चैट में, इसको ज्वाइन कर लें इस ऐप को, एक सेकेंड तो यहाँ पे आपसे गपशप लगाते हैं। जी सर, मिल गए। चलें यहाँ पे आप, तो आपसे फिर ना बैक स्टेज में जो गपशप लगाते हैं, स्ट्रीम में ये वाली गपशप लगाने वाली नहीं है। ये एक्सेप्ट इनवाइट है ना? हाँ जी, एक्सेप्ट करें, पूरा एक प्रोसेस होगा, यूजर नेम बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। टाइम लगेगा आपका, थोड़ा सा टाइम लगाएं, ये मेरे को उसके लिए इंस्टॉल वेट करना करें। पड़ता है ना? जी, अभी आप ब्राउजर में कर हो जाएगा, लो बाद में इंस्टॉल भी कर लेंगे, ऐप भी है। ठीक ठीक है सर, मैं है, अभी बैक स्टेज पे तो रहती हूँ, उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ, या फिर अभी कर लूँ? अभी कर लें, इसको करें पहले। अभी कर ले, जी चाहिए तो आप वापस जुड़ भी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो मैं आपके पास उधर वीडियो पे आके कर सकती हूँ। ठीक है सर, आप हाँ किसी और से ठीक, जब तक बात कर लीजिए, मैं ये जो भी फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करती हूँ। हाँ, ये होता है जनाब, आप सबको, तमाम खवातीन को मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा सोच समझ के कदम उठाया करो, ट्रैप में ना फंसा करो। सारी जिंदगी के लिए ट्रैप में फंस जाती हो तुम लोग, तुम लोगों और का अंदाजा ही नहीं है कैसी जिंदगी तुम लोग गुजार रही होती हो, मुश्किलों के बीच में जाके फंस जाती हो। जी भाई, सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर भी अगर आप मोमिन से शादी करती हो ना, तो भी आपके पास इतना ये नहीं होता है, क्योंकि वो जो मुस्लिम
मतलब फैमिली है वो आपकी शादी को कभी भी मानेगी ही नहीं जब तक आप इस्लाम कबूल करके शादी नहीं कर रही है। तो फिर मेरे को तो लगता है कि यहाँ तो लॉ में चेंजेस आने चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए इंडियन लॉ, जो सेक्युलर मैरिज एक्ट है, या फिर आप लोग ये चीज से बचो, इस्लाम को समझो और इस्लाम से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। बेशक।